हेलो फ्रेंड्स एंड मेडर स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोरेंसन पीएच स्केल के बारे में और बात करेंगे पीएच के डिटरमिनेशन के बारे में मेरा नाम है डॉक्टर महंताप सिंह तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पीएच के बारे में पीएच इज ए यूनिट मेजर द डिग्री ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ ए सोलूशन तो पी एक मात्रक होता है जिससे हम अपने सोलूशन के अंदर एसिडिटी या उसकी बेसिसिटी को मेजर करते हैं इन नाइनटीन ए डैनिस बायोकेमिस्ट सोरेन पीटर लॉरिट सोरेन ने पीएच को डिफाइन किया और उन्होंने कहा कि जो पीएच है पीएच इज ए निगेटिव लॉगरिज्म ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो इस कंडीशन में जो हमारी इक्वेशन आई वो क्या है पीएच एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन तो इन्होंने क्या कहा था कि जो हमारा पीएच है वो वो निगेटिव वो लॉगरिद्म होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का तो इसका जो मोर यूजफुल फॉर्म है वो क्या है पी एच इज इक्वल टू लॉग वन अपॉन एच प्लस आयन तो यहाँ पे जो हमारा वो वो साइन था रिमूव हुआ है और जो हमारा एच प्लस आयन है वो वन अपॉन एच प्लस आयन हो गया है और इस कंडीशन में अगर हम एच प्लस आयन को इस साइड लेके जाते हैं तो हम इक्वेशन को लिख सकते हैं द कंसनट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इज इक्वल टू टेन टू दी पावर माइनस पी एच तो यहाँ पे जो हमारा लॉग है उसका बेस टेन था जिसके कारण कि हमें ये इक्वेशन प्राप्त हुई द वैल्यू रेंज फ्रॉम टू तो जो हमारी पीएच की रेंज है वो जीरो से स्टार्ट होके फोर्टीन तक आती है इस कंडीशन में जो हमारा जीरो से 7 तक है वो जो कहलाता है एसिडिक रीजन और जो हमारा है 7 से फोर्टीन वो कहलाता है बेसिक रीजन और जो हमारा हालात सेवन है वो कहलाता है न्यूट्रल पोजिशन तो द स्केल ऑन विच दी एच वैल्यू कंप्यूटेड इज कॉल्ड पी एच स्केल तो वो स्केल जिसके ऊपर हम पी एच हैलो वैल्यू को डिफाइन करते हैं उसको अगर हम वाटर के डिसोसिएशन की बात करते हैं तो जो हमारा वाटर है वाटर वो डिसोसिएट टू एच प्लस आयन एंड ओ एच तो इसको हम वो लिख सकते हैं एच टू ओ और ये एक होती है रिवर्सिबल प्रोसेस होती है एच प्लस आयन प्लस ओ एच ये फॉर्म करती है तो अगर हम यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हैं तो इस कंडीशन में हम वो लिख सकते हैं के इज इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इन कंसेंट्रेशन ऑफ ओ माइनस आयन अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ एच टू ओ तो यहां पे जो हमारा के है वो है डिसोसिएशन कांस्टेंट तो इस प्लेस पे हम इस इक्वेशन को वो लिख सकते हैं द कंसेंट्रेशन ऑफ एच आयन इनटू ऑफ ओ आयन के कंसंट्रेशन ऑफ एच टू इज इक्वल टू के डब्ल्यू और ये एक कांस्टेंट होता है तो अगर यहाँ पे हम के डब्ल्यू की बात करें तो जो हमारा के डब्ल्यू है इट इज द वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू फाउंड एक्सपेरिमेंटली इज 1.0 पॉइंट जीरो इंटू टेन टू दावर फोर्टीन तो अगर हम के डब्ल्यू की जो वैल्यू है उसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में ये हमारी जो वैल्यू है 1.0 टू होती है फ्रॉम इक्वेशन वन तो जो हमारी इक्वेशन नंबर वन थी उससे हम कह सकते हैं वन मोल ऑफ वाटर डिसोसिएट टू गिव वन एच प्लस आयन एंड वन ओ एच माइनस आयन तो अगर एक मोल हमारा वाटर जो है डिसोसिएट होता है तो उस कंडीशन एक एच प्लस आयन देता है और एक ओ एच माइनस आयन देता है तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं सो कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस एंड ओ एच आयन इन प्योर वाटर इज सेम तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि अगर प्योर वाटर है तो उस कंडीशन में जो कंसंट्रेशन हमारे एच प्लस आयन की है और ओ एच माइनस आयन की है वो सेम रहेगी तो इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं एच प्लस आयन वो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आयन इज इक्वल टू अंडर रूट के डब्ल्यू और जो हमारी वो के डब्ल्यू की वैल्यू थी वो क्या थी 1.0 पॉइंट जीरो इंटू टू दी पावर माइनस फोर्टीन तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा द कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ओ माइनस आयन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस सेवन मोल पर लीटर तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं सो एच प्लस आयन एंड ओ आयन कंसेंट्रेशन इन प्योर वाटर इज 10 टू द पावर माइनस -7 मोल पर लीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट इज सेड न्यूट्रल तो इस कंडीशन में हम कहेंगे अगर हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो H+ प्लस आयन की कंसेंट्रेशन बराबर होगी OH- आयन की कंसेंट्रेशन के अगर हम बात करते हैं हमारे एसिडिक वाला सॉल्यूशन की तो उस कंडीशन में क्या होगा द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन मस्ट बी ग्रेटर देन टेन टू दी पावर माइनस सेवन मोल पर लीटर तो अगर हमारा सोलूशन एसिडिक होगा तो वहां पे H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो इस कंडीशन में या, तो यहां पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा जो हमारे वो टेन टू दी पावर माइनस है अगर इससे वैल्यू ज्यादा होगी तो ये सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन होता जाएगा तो इस कंडीशन में जो हमारा एसिडिक सोल्यूशन है द एच प्लस आय कंसेंट्रेशन इज ग्रेटर देन ओ एच आयन वो कंसंट्रेशन के और इस कंडीशन में हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक सोल्यूशन कहलाएगा अगर हम बात करते हैं बेसिक की तो उस कंडीशन में द कंसंट्रेशन ऑफ ओ माइनस आयन मस्ट बी ग्रेटर देन टेन टू द पावर माइनस प्लस सेवन मोल पर लीटर तो यहाँ पे जो हमारा बेसिक सोल्यूशन है उसमें एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होगी कंपेर टू ओ एच आई एन कंसनट्रेशन के तो ओ एच आई एन कंसनट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होगी जिससे कि हमारा सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन कहलाएगा तो ये है हमारी स्केल अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पे है हमारा वन वन टू प्लस सेवन तक अगर हम आते हैं तो ये जो है कहलाता है एसिडिक वरीजन मीन्स यहाँ पे जो पी एच है वो हमारा सात से कम है और अगर हम बात करते हैं 7 से फोर्टीन तक की तो ये कहलाता है हमारा बेसिक रीजन और यहाँ पे जो पीएच की वैल्यू है वो सात से ज्यादा होगी और अगर हम बात करते हैं हालत सेवन की तो उस कंडीशन में जो हमारा कंडीशन है वो न्यूट्रल होगी मीन्स हमारा प्लेस पे सोल्यूशन है वो न्यूट्रल सोलूशन कहलाएगा अब हम लोग बात कर लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पी के बारे में तो यहाँ पे हम लोग दो मैथड को यूज करते हैं जो पहला है वो है हमारा इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड और दूसरा है वो कलरमीट्रिक मेथड तो इन दोनों मेथड को एक एक करके हम लोग इस वीडियो में देखेंगे तो जो पहला मेथड है वो है हमारा इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड इसमें हम जो अप्रेटर्स यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द पीएच मीटर और ये कंसिस्ट होता है एक वोल्टा मीटर कनेक्टेड टू टू इलेक्ट्रोड तो एक यहाँ पे वोल्टा मीटर है जो कि दो इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होता है ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है जो पहला इलेक्ट्रोड है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड एंड इट इज़ स्टैंड पोटेंशियल और अगर हम बात करते हैं हमारे वो दूसरे इलेक्ट्रोड की तो ये कहलाता है स्पेशल इलेक्ट्रोड नोन एज प्रोब इसको हम लोग प्रोब बोलते हैं और जो हमारा प्रोब है ये इंक्लोज इन ए ग्लास मेम्ब्रेन दैट अलाउ

रीडर भी कहते हैं और यहाँ पे हम दो इलेक्ट्रोड वो ले रहे हैं जो पहला इलेक्ट्रोड है ये है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और ये जो हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड है इसको हम प्रोब बोलते हैं जिसके अंदर की एक वो रेफरेंस सोलूशन होता है जो कि एस का होता है डायलूट एस का होता है और इसको हम लोग डिप कर देते हैं टेस्ट सोलूशन के अंदर जिसका हमें पी एच डिटरमाइन करना होता है तो आइए इसके प्रोसीजर को देख लेते हैं द टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन द A to be tested, तो ये जो हमारे दोनों इलेक्ट्रोड हैं उसको हम उस सोलूशन के अंदर डिप कर देते हैं जिसका हमें पी एच डिटरमाइन करना होता है और इफ दोलूशन पी एच डिफर फ्रॉम द प्रोप सोलूशन पी एच तो अगर हमारा जो टेस्ट सोलूशन है उसका जो पीएच है वो अगर हमारे प्रोब के अंदर जो सोलूशन है उसके पी से डिफर होता है तो हमें वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देखने को मिलता है एंड पोटेंशियल्ड पोटेंशियो पोटेंशियोमीटर तो ये जो हमारा पोटेंशियल इसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं एक जो है पोटेंशियोमीटर के थ्रू और ये जो हमारी पोटेंशियल की रीडिंग है इज ऑटोमेटिकली वो कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकली टू द डायरेक्ट रीडिंग ऑफ द पी तो इसको हम लोग पीएच में वो कन्वर्ट कर लेते हैं जिससे कि हम लोग पीएच को डिटरमाइन कर लेते हैं उसके बाद जो हमारा अगला मैथड है दैट इज कॉल्ड वो कैलोरी मीट्रिक मैथड तो इसमें हम लोग क्या करते हैं वो टेक है, वो पेपर यहाँ पे हम लोग एक वो पेपर को यूज करते हैं और उसको वाटर के सैंपल में या जो भी हमारा सैंपल है जिसका हमें पी एच डिटरमाइन करना होता है उसके अंदर इसको हम लोग डिप कर देते हैं ऑप्टेन वो कलर इज कंप्यूटेड फ्रॉम द स्टैंडर्ड टेबल तो हम इसको एक स्टैंडर्ड वो टेबल को यूज करते हैं वो जिससे कि जो हमारा वो कलर ऑप्टेन हुआ है तो उससे हम उस की पी को कर लेते हैं द एच वैल्यू इंडिकेट वेदर द सैंपल इज एसिडिक और एल्कलाई तो ये जो हमारा पीएच की वैल्यू है ये इंडिकेट करती है कि जो हमारा सैंपल है क्या वो एसिडिक है या बेसिक है और उसके पीएच को हम लोग उससे कंप्यूट कर लेते हैं उससे हम लोग मेजर कर लेते हैं ओके फ्रेंड्स एंड मैड ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें थैंक यू